नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रविंद्र एक कदम शिक्षक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके इंग्लिश के टॉपिक की, जो कि आपके लास्ट दो टॉपिक रह गए हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। आपके इतने टॉपिक होते ही मॉडल्स के इतने बतेरे हैं, जो भी अधिक से अधिक यूज़ होते हैं वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना। आप बस दो रह गए वो और मैं अभी आपको करा दूंगा। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं तो पीछे वाली प्लेलिस्ट में जाके पीछे जाइए प्लेलिस्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर, और पीछे की सारी वीडियो देख लीजिए जितने भी सेंटेंस की हैं, ठीक है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। मैंने एकदम शुरू से करा रखा पूरा का पूरा। और चैनल को नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो जो नई आने वाली है उसको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और टाइम टेबल आपको सबको पता ही है, 9, 10, 12, 2 और 3, ठीक है ना। 9 बजे 9वीं का मैथ, 10 बजे 10वीं का मैथ, 12 बजे सभी की कॉमन क्लास होती है इंग्लिश की ग्रामर की, और 2 बजे होती है आपकी साइंस जो कि 9th क्लास की है, और 10 बजे और 3 बजे होती है 10th क्लास की साइंस, ठीक है। तो देखें जरूर बिल्कुल। तो देखिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो देखिए हमारा जो रूल है एक आपका है, आज हम करने वाले हैं मस्ट। तो देखिए मस्ट क्या होता है, आवश्यक चाहिए, ठीक है, आवश्यक चाहिए। देखिए कुछ मैंने छोड़ दिए हैं थोड़े से, जब मैं फिल इन द ब्लैंक कराऊंगा ना तो उनका यूज़ मैं वहाँ बताऊंगा और अच्छे तरीके से। बाकी आपका जो मैन है वो आपके हो गए हैं, ठीक है ना। और पैसिव के मॉडल होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। पहले मैं आपका फर्स्ट फॉर्म का खेल ख़त्म करूँगा सारा, जो भी फर्स्ट फॉर्म का होता है, क्योंकि मैं दो दो चीज़ अगर लगा दूंगा रूलों में तो फिर दिक्कत होने लगेगी आपको, इसलिए मैं सीरियल वाइज व फर्स्ट फॉर्म ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आती रहे, तो खिचड़ी ना बने इसलिए मेरे को कराना पड़ रहा है। तो मैं आपको हिसाब से कराऊंगा, ये मत लेना कोई कि भैया ने वो नहीं कराया, सर ने वो नहीं कराया, कराऊँगा मैं सारा ही, ठीक है ना। बस लेकिन अब नहीं, बाद में कराऊँगा, ठीक है। तो देखिए कहीं पर भी आवश्यक चाहिए, ज़रूर चाहिए, ठीक है, ज़रूर चाहिए आ जाए तो आपको मस्ट का यूज़ करना है, ठीक है ना। देखिए उसे आवश्यक 10 रुपये आवश्यक, ठीक है, खाना बनाना चाहिए। देखिए एक तो होता है शुड चाहिए, मस्ट हो गया आवश्यक चाहिए, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है देखिए, जैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है चीज़ों को, ठीक है ना। अब आपको भूख नहीं लग रही, एक बच्चा कह रहा है यार आपको खाना बनाना चाहिए, ठीक है ना, तो आवश्यक नहीं है ज़्यादा, तो आपको शुड लगाना है ऐसे में। अब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़, तो किसी ने कहा यार अब खाना बनाना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, तो ऐसे में लगेगा मस्ट, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। तो देखिए इसको बना लेते हैं, ही हो गया, और यहाँ हो गया आपका आवश्यक चाहिए के लिए मस्ट, और यहाँ आपका खाना बनाने की कुक हो गई, और खाने की हो गई फूड, ही मस्ट कुक द फूड। इसका नेगेटिव देख लेंगे, उसे खाना आवश्यक नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए आपकी पॉसिबिलिटी भी है इसमें, आप एक काम करिए आवश्यक मत लिखिए, उसे खाना नहीं बनाना चाहिए। अपनी कंडीशन देख लीजिए कैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से शुड और मस्ट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है इसमें आवश्यक भी लगाते फिर हम, ही मस्ट नॉट कुक द फूड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके क्या उसे आवश्यक खाना बनाना चाहिए। तो देखिए उसे के लिए ही हो गया, यहाँ मस्ट हो गया, मस्ट ही ईट द फूड, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, देखिए आपको क्यों लड़ना चाहिए। तो देखिए क्यों के लिए वाई हो गया, आपके लिए यू हो गया, तो देखिए आगे मस्ट लग जाएगा, क्यों लड़ना ज़रूर चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ मस्ट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका फाइट। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। एक रूल और कर लेते हैं जो कि लास्ट और अंतिम रूल है आपका। देखिए नीड नोट, देखिए ये इसी से संबंधित है थोड़ा सा, आवश्यकता नहीं है। देखिए ये सिंगल रूल है, कभी भी नीड टू नहीं होता है। बहुत सारे टीचर कराते हैं नीड टू, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा जुगाड़बाजी करके उस रूल को कराते हैं, ठीक है ना। लेकिन नीट नोट का रूल होता है, नीट टू का कोई भी मॉडल के अंदर रूल नहीं होता है। ठीक है, तो नीट नोट खाली होता है और ये खाली सिंपल बनेगा। देखिए आपको खेलने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके लिए यू हो गया, नीड हो गया, नोट हो गया और यहाँ हो गया आपका प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबके साथ ही आपका ये लगेगा, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम चलाने वाले हैं टेंस, ठीक है ना। तो टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो टेंस के बाद ये लगा लीजिए, टेंस आपके होते ही कम से कम आपका 40-50% काम ख़त्म हो जाएगा ट्रांसलेशन का। तो आप ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें अच्छे से आपको जीप पर रट्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही इसे याद कर लीजिए, गारंटी मेरी है कि आपको 20-25 दिन के अंदर ट्रांसलेट मैं करके दूंगा, ठीक है ना। आप ट्रांसलेट बिल्कुल करना सीखेंगे, तो ये टारगेट बनाए अपना, इसको रोज़ाना के रोज़ाना पढ़ें, ठीक है ना। बस भूलना नहीं है किसी करके। टेंस के बाद आपका प्रीपोजिशन होगा, फिर होगा आपका एक दो दिन का कनेक्टर। इतने होने के बाद 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आप ट्रांसलेट कर ही लेंगे, इस इंग्लिश से हिंदी को कन्वर्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपके अंदर इम्प्रूव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।